नमस्ते बच्चों, मैं कक्षा एक के सभी विद्यार्थियों का हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ दो वर्ण शब्द तथा वाक्य का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं तथा उससे संबंधित कुछ विकल्प दिए हैं। हमें सही विकल्प चुनकर उसमें सही का निशान लगाना है। आपकी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें आपको प्रश्न दिया होगा, उससे संबंधित चार विकल्प दिए होंगे, आपको सही विकल्प चुनकर उसमें सही का निशान लगाना होगा। चलिए देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब इसके विकल्प देखते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य या व्याकरण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसे और भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा प्रश्न है, स्वर तथा व्यंजन किसके प्रकार है। विकल्प देखते हैं, भाषा, वर्ण, वाक्य या शब्द। स्वर तथा व्यंजन वर्ण के प्रकार है। तीसरा प्रश्न है, यह किस स्वर का मात्रा चिन्ह है। यह चिन्ह किस स्वर का है। चलिए विकल्प देखते हैं, ए, आ, ओ और ओ। यह चिन्ह ओ का मात्रा चिन्ह है, इसलिए हम इसमें सही का निशान लगा देंगे। चौथे प्रश्न में, क, ख, खाली स्थान, घ और ड में खाली स्थान भरिए। विकल्प देते हैं, च, ग, र और ट। अब चलिए वर्णमाला पढ़ते हैं, क, ख, ग। यहाँ क्या आएगा, ग, तो हम ग पर सही निशान लगा देंगे। पांचवा प्रश्न में, ल, क, श। इन तीनों वर्णों को सही क्रम में लगाने पर कौन सा सार्थक शब्द प्राप्त होगा। चलिए विकल्प देखते हैं, लकश, ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, कलश, शलक और कशल। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सार्थक शब्द है। कलश एक सार्थक शब्द है, तो इसको हमने टिक कर दिया। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से पता चल गया है कि आपकी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आएंगे और आपको उनका उत्तर कैसे देना है। आप अपने घर पर बहुत अच्छे से अभ्यास कार्य कीजिए, इसको बार बार लिख के देखिए। हम मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्ते।